ओके नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ओके फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया अब ये पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंस हैं और यही कुछ और बेसिक चीजें हैं जिनको हमने नाम दे दिया है ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट इज मोबालाइज सेविंग्स एंड चैनलाइज दिन टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेज ठीक है मेरे पास मैं वन रुपीस में वन थाउजेंड रुपीज थे उसमें से मैंने फाइव हंड्रेड रुपीज स्पेंड कर दिए बचे कितने अनदर फाइव हंड्रेड मेरे पास में बचे हैं अब देखिए अगर ये फाइव हंड्रेड रुपीज को मैं कोई प्रोडक्टिव एसेट uh, में चैनलाइज नहीं करूंगा तो क्या होगा धीरे 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 आई स्पेंड दैट मनी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ठीक है वी स्पेंड इफ यू हैव एक्स्ट्रा आप अपनी बात कर लीजिए यू आर नेवर एबल टू सेव एज मच एज यू डिसाइड ठीक है क्या मतलब हुआ हमने सेव तो किया था बट हम उसको चैनलाइज नहीं किया हमने तो फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या हुआ बहुत सिंपल है आपके पास में जो सेविंग थी मोबालाइज करना मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना तो मोबालाइज द सेविंग आपकी सेविंग्स को मूव करना कहां से पॉकेट में से मार्केट तक एंड चैनलाइज देम चैनलाइज मतलब उसको इन्वेस्ट करना इन द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ठीक है फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन क्लियर हो गया सेविंग को घर से मार्केट तक पहुंचाना सो so दैट ये प्रॉपरली ग्रो कर सके सेकेंड इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स से याद करते हैं मैंने आप लोग को सिखाया था लास्ट ईयर कि बेसिक प्राइस कैसे सेट होती है डिमांड एंड सप्लाई कोई भी चीज की प्राइस कैसे फिक्स करते हैं हम लोग डिमांड एंड सप्लाई अभी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ लिया होगा अभी तक कि हम लोग फॉरन एक्सचेंज रेट की प्राइस कैसे फिक्स करते हैं डिमांड एंड सप्लाई तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस फिक्स करते हैं कैसे अगर कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा सिंपल लॉजिक है सिमिलरली अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका कोई डिमांड ही नहीं है पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट तो क्या होगा ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाएगा तो फैसिलिटेड प्राइस डिस्कवरी ऑफ वॉट द इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट नेक्स्ट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल सिंपल लिक्विडिटी मतलब क्या होता है एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश इन अटर पीरियड ऑफ टाइम एस कॉल एस लिक्विड असेट तो लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया बेसिकली एक ऐसा फीचर असेट का जो उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सके सिंपल तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट क्या मतलब हुआ अगर आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आप उसको कहीं जाके सेल करोगे तो ही वो लिक्विड बनेगी तो ये सेल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है ये कौन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक मोबाइल फोन है तो आप उसको कहां जाके सेल करोगे कोई मोबाइल की शॉप पे या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या अपने फ्रेंड के पास में तो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप ये मोबाइल शॉप ये फ्रेंड ये क्या हुआ मार्केट हुआ आपका तो सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपनी सिक्योरिटीज को कभी भी सेल कर सकते हो बेसिकली प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असिट्स नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल मार्केट का एक और काम ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किसको देंगे इंफॉर्मेशन ऐसे न्यूज पेपर में छाप देंगे कोर्स नॉट किसको देंगे इन्वेस्टर्स को ऐसे इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करने वाले ठीक है ओके इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे कम हुआ अगर इन्वेस्टर को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो खुद ढूंढने की कोशिश करता उसका टाइम एफर्ट मनी तीनों वेस्ट होते बट ये टाइम एफर्ट्स और मनी किसने बचा लिया फाइनेंशियल मार्केट ने तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सो दीज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अब पढ़ लेते हैं द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्लासिफिकेशन और कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ठीक है फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट वन इज योर मनी मार्केट एंड अनदर वन इज योर कैपिटल मार्केट मनी कैपिटल मनी कैपिटल मनी मतलब क्या हुआ जो हाथ में बहता रहता है ठीक है हम सुनते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है दैट मीन्स द फास्ट फ्लोइंग मनी विल कम अंडर मनी मार्केट एंड द फिक्सड मनी कम अंडर योर कैपिटल मार्केट डेफिनेशन पढ़ो नीचे मनी मार्केट ट्रेड एंड इंस्ट्रूमेंट विथ अ मेच्योरिटी ऑफ लेस वन ईयर मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एक साल के अंदर अंदर इधर यू सेल और लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी मतलब ये मोर देन अयर के इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं याद करो मनी मतलब मैंने क्या बताया था फास्ट मूविंग कैपिटल मतलब मैंने क्या बताया जो फिक्स रहते हैं तो फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मेच्योरिटी एक साल के अंदर अंदर की होती है दैट विल कम अंडर योर मनी मार्केट और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका टोटल मेच्योरिटी मोर देन अयर होता है दैट विल कम अंडर योर कैपिटल मार्केट अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे